कॉम्पिटिशन जस्ट फॉर फन व्हाट एवर सिंपली इंजॉय एंड ट्राई योर बेस्ट। इस मंत्र को अगर किसी की जिंदगी से सीखना है तो वो है राफेल नडाल। अगर आप टेनिस खेलना पसंद करते हो और आप राफेल नडाल के बारे में नहीं जानते तो ये नहीं हो सकता। टेनिस खेलों की दुनिया में सबसे चमकते सितारों में राफेल नडाल एक है। जब कोई टेनिस के बारे में बात करे और राफेल नडाल का नाम ना आए तो वो या तो टेनिस के बारे में नहीं जानते या आपसे झूठ बोल रहे हैं। इस किताब की पन्नों की शुरुआत होती है 3 जून 1986 को, जब स्पेन के एक छोटे शहर मानाकोर में राफेल नडाल का जन्म हुआ। राफेल के पिता साबेस्टन नडाल और माता एना मारिया परेरा हैं। राफेल नडाल का बहन का नाम मैरी इसाबेल नडाल है और भाई का नाम टॉमियो नडाल। 2013 में दुनिया के सामने नडाल ने पहली बार अपने भाई के बारे में बताया। नडाल खेल कूद वाले परिवार में बड़े हुए। उनके चाचा मिगुएल एंजेल नडाल एक प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने 2002 विश्व कप कॉम्पिटिटिव की थी। राफेल ने 4 साल की उम्र से टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। एक और चाचा नादानी जो पेशेवर दौरे पर उनके कोच थे। अपने शुरुआती वर्ष में नडाल बाएं हाथ से टेनिस खेलते थे परंतु लिखना डान हाथ से ही करते थे। जब वो 12 वर्ष के थे तब उनके चाचा उन्हें बाएं हाथ के पारंपरिक स्टाइल से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। 15 साल के नडाल एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी के रूप में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में दिखा गया था जब वो 2002 के विंबलडन चैंपियनशिप में पहुंचे। 2004 में नडाल ने यूएसए को डेविस कप में हराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खतरनाक शक्तिशाली भारी टॉप स्पिन के साथ अपने फॉरवर्ड को चलाकर नडाल जल्द ही एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के दौर पर शीर्ष खिलाड़ियों में से एक बन गए। उन्होंने दुनिया के नंबर वन टेनिस प्लेयर्स रॉजर फेडरर के साथ प्रतिद्वंदिता के लिए खुद को तैयार किया। 2005 में नडाल ने 11 टूर्नामेंट जीत दर्ज की, एक यंगेस्ट खिलाड़ी के रिकॉर्ड बनाया। नडाल विंबलडन में अपने जिंदगी का पहला और बड़ा फाइनल मैच खेला। 2007 में एसोसिएशन ऑफ टेनिस मास्टर सीरीज में राफेल ने अपने जीत लगातार 81 तक बढ़ाया लेकिन फाइनल में फेडरर से हार गए। 2008 के फ्रेंच ओपन फाइनल में नडाल अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रॉजर फेडरर को हराया। नडाल और फेडरर विंबलडन फाइनल में फिर से आमने सामने थे। 4 hours 48 minutes के मैच में नडाल अपने 5th करियर ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। उसके बाद अगस्त 2008 में नडाल ने बीजिंग ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल हासिल की और विश्व का नंबर वन टेनिस प्लेयर बन गए। उसके बाद 2009 में नडाल ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते। 2009 में नडाल के पिता और माता के तलाक के सिलसिले में राफेल नडाल को बहुत पीड़ा पहुंचा, लेकिन उन्हें कमज़ोर नहीं कर पाए। राफेल ने अपने जिंदगी का दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता 2016 के रियो जिनारियो के गेम में। राफेल नडाल ने इतने सारे टाइटल जीत चुके हैं कि किसी खिलाड़ी के इतने सारे टाइटल जीतकर नडाल के रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। वो अभी तक 13 बार फ्रांच ओपन, 13 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल, 4 बार यूएस ओपन, 1 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2 बार विंबलडन सिंगल टेनिस मैच में जीत चुके हैं। 2019 में नडाल ने मारिया फ्रांसिस्का पेरिलो से शादी की। राफेल के पत्नी 32 वर्षीय बीमा कार्यकर्ता और व्यावसायिक स्नातक हैं। वो राफेल नडाल फाउंडेशन के लिए
परियोजना निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं, जो नाडाल ने लगभग 10 साल पहले शुरू किया था। आपको कीमती समय देकर वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और इसी तरह की भी नॉलेजेबल और इंस्पिरेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।